तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आंगन दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो पर आज तक बने रहिए और यहाँ का घर देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, और भी रूम दिखाते हैं। और बताइए, गेस्ट वाला, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम। वो तो बोल रहे थे कि यहाँ पे गाय भैंस रहते थे। गेस्ट रूम था पहले, गेस्ट जो आते हैं, लकड़ियों का जो है से ही लिंटर होता था मकान पुराने समय में। और ये है राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जी का घर का चारों तरफ का सीन। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा, उनके बड़े भाई थे, हाँ, श्री महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई का कमरा है। और हाँ, अभी तो बंद है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं इस समय जीरा देई रेलवे स्टेशन के पास, और मैं यहां से जाने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्हीं के मैं गांव के तरफ जा रहा हूं, और जो जहां पे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, मैं वहीं पर जा रहा हूं। और देख सकते हैं दोस्तों, यहां का कुछ तस्वीर है। और यहां से आपको ऑटो टू मिल जाएगा, और यहां से थोड़ी दूर पे है, और आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, और उनकी स्मृति भी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ऑटो वाले भैया भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। फायदा भी तो बाटे उसे कुछ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है जीरा दे गांव, और हम लोग चल रहे हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके घर की तरफ। और ये रहा पूरा सीन। काफ़ी तेज धूप है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का गांव का कुछ सीन। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। सो गाइस, देख सकते हैं, 200 मीटर, 200 मीटर यानी 200 मीटर देखा कर, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस जीरा देई का, और ये उनके गांव का आसपास का सीन देख लीजिए। तो यहाँ से निकल, तो दोस्तों हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं उनके घर के पास, और यहाँ पे बोर्ड लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म स्थान, तो ठीक सामने ही है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए, और धूप तो काफ़ी तेज है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आगे का सीन। दोस्तों देख सकते हैं, ये है रास्ता उनके सीधे घर के तरफ जाएगा, और कुछ ही दूरी पे है, सामने वाला ही घर है। और यहाँ के आसपास का सीन देख लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ की रोड भी देख लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा रोड भी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय शोध संस्था, यहाँ का सीन देख लीजिए आप लोग। दोस्तों मेरे पीछे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से पुस्तकालय, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय शोध संस्था था यहाँ पे, जो पीछे मैंने आपको दिखाया। अब कहाँ है इसके बारे में तो अभी मुझे नहीं पता है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा अगर जहाँ भी होगा। बाकी सीन देख लीजिए आप लोग, यहाँ का आसपास का सीन, यहाँ आसपास का सीन। हम लोग ठीक उनके घर के पास आ चुके हैं। दोस्तों
दोस्तों ये है मेन गेट, और चलिए चलते हैं अंदर, अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ का आसपास का सीन देख लीजिए। यहाँ पे एक दो दुकानें हैं जो कि खाने पीने के लिए, और यहाँ का आसपास का सीन देख लीजिए। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पृथक निवास, और देख सकते हैं दोस्तों ये है गेट। तो चलिए चलते हैं और अंदर का सीन दिखाते हैं। यहाँ का आप लोग बाहर का सीन देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अंदर, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है, और यहाँ पे ये पार्क के रूप में बनाया गया है। इनका यही जन्म स्थान है दोस्तों। मैं अंदर चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है उनके पृथक निवास के बारे में, जीरा देई के बारे में लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पृथक निवास जीरा देई, और आप लोग हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुआं है देख सकते हैं, और उसी समय का ये कुआं भी है देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का सीन देख लीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति बनी है, तो आप चलिए आपको दिखाते हैं पास से। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी तेज धूप है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं राजेंद्र प्रसाद के जो इनका जन्म स्थान है उसको देखने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे उनकी मूर्ति है देख सकते हैं आप लोग। आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से और आपको जानकारी देते हैं, तो आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए। यहाँ का देख सकते हैं दोस्तों, गार्डन टाइप में बनाया गया है, और ये है पृथक निवास जो राजेंद्र प्रसाद जी का। तो चलिए दिखाते हैं, और वो संग्रहालय है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है जो कि फ़ोटो के माध्यम से। तो चलिए दिखाते हैं आपको। उससे पहले यहाँ का मूर्ति मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति, और ये है पृथक निवास। तो चलिए चलते हैं अंदर, अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थान के पास, और दोस्तों यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय यहाँ पे लिखा गया है, जो कि इनके जीवन के बारे में जो भी बातें उल्लेख की गई है, जो समाज के बारे में और अन्य बातें लिखी गई है। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में उल्लेख की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन पर्चे, और यहाँ पे उनके बारे में कुछ लिखा गया है देख सकते हैं आप लोग। उनकी शिक्षा के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ पे राजनीतिक राह के बारे में कुछ इनके बारे में लिखा गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं। बम्बई अधिवेशन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 का ये तस्वीर है, और गांधी जी का प्रभाव के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। जीवन पर्चे, शिक्षा और राजनीतिक राह, गांधी जी का प्रभाव, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें, और यहाँ पे एक नेता का उदय यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। समाज सेवा के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पॉज करके वीडियो को। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे तीन खिड़कियाँ हैं, देख सकते हैं आप लोग हवादार के लिए। और ये रहा पूरा सीन, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यह है संग्रहालय जो कि इनके जीवन के बारे में कुछ कहते हैं। यहाँ की तस्वीरें और जो घर है वो भी देख सकते हैं, समय समय पे पेंटिंग होते रहता है। रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डीआर राजेंद्र प्रसाद जी का फर्स्ट रूम है ये, ताला बंद है दोस्तों, मैं अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे रूम श्री धनंजय प्रसाद जी का ये रूम है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी आए थे यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे नहीं जैसा कि हमने जानकारी दिया, और यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है जो कि जनवरी के समय में आए थे और 16 जनवरी 1927 में आए थे महात्मा गांधी जी। और इनका जो है बैठने के लिए जो देख रहे हैं इसको शीशा में पैक कर दिया गया है, ये निशानी है। और संध्या मतलब यहीं पे रात बुझा रहे थे, और दोस्तों ये स्थान है देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको भी देख करके। और दोस्तों यहाँ पे कुआँ है, चलिए आपको दिखाते हैं कुआँ को भी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पे नहाते थे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में ही दिखाया था लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से मैं नहीं शायद दिखाया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी तेज धूप है। और भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा दोस्तों, और आप लोग वीडियो पर आज तक बने रहिए। जैसा कि दोस्तों पूरी जानकारी नहीं हो पाता है, थोड़ा समय थोड़ा दिक्कत होता है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पे कुआँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहाते थे इसी कुआँ के पानी से। हाँ 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 पढ़ने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, संग्रहालय है। ये है मकान देख सकते हैं, पुराने जमाने के समय जो है लकड़ियों का जो है से ही लिंटर होता था मकान पुराने समय में। और ये है राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जी का घर का चारों तरफ का सीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा, उनके बड़े भाई थे, हाँ, श्री महेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई का कमरा है। और हाँ अभी तो बंद है, उनका कमरा है देख सकते हैं दोस्तों, अभी बंद है, नहीं तो मैं दिखा देता अंदर से ही। बाकी मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ सीन दिखाने की कोशिश किया है। हाँ यहीं पे जन्म हुआ था, बिस्तरा है यहाँ पे जन्म हुआ था देख सकते हैं दोस्तों, बाहर से ही आप लोग देख सकते हैं यहीं पे जन्म हुआ था। और हाँ यहाँ पे लिखा गया भारत के राजनीति। और अच्छा अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ खपड़ैला का घर देख सकते हैं आप लोग, बंदर लोग। अच्छा हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, हरिराजेंद्र प्रसाद जी लगाए थे, तो देख सकते हैं उन्हीं के समय का ये लगाया हुआ पेड़ भी है दोस्तों, और ये सिरफल का वृक्ष भी। तो ये काफ़ी मुख्य चीज़ें हैं जो कि भैया जी बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उस समय का लगभग आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दिन हो गया, और अभी भी उपलब्ध है ये चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और भी कुछ जो भी चीज़ें बाकी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आंगन दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर आज तक बने रहिए। और यहाँ का घर देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, भैया जी खोल दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। और यह है इनका आंगन, यहाँ पे मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वाइफ पूजा करती थी, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तुलसी जी का पौधा है। यहाँ पे ये आंगन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, तो आप लोग किचन भी चलिए दिखाते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भैया ने हम लोगों को काफ़ी कुछ सहयोग किया और दिखाने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वाइफ रखती थी। ये सामान रखने के लिए बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी पुराना है। वाह, बहुत पुराना है। दहेज में मिला था, तो दहेज में मिला था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डगरौना भी है, यहाँ पे सामान वामान जैसे पल, अब तो पेटी उटी आ रहा है, उस समय लकड़ी का ही आटा था जो कि सामान रखने के लिए। और देख सकते हैं दोस्तों यह रूम, तो चलिए दिखाते हैं और आपको सीन किचन। यहाँ पे किचन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे किचन भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे खाना वाना बनता था। और देख सकते हैं दोस्तों, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर का कुछ सीन, यह है किचन जो कि खाना वाना बनता था। और भी चलिए दिखाते हैं बाकी, मैंने आपको आंगना और ये कोठरी मैंने दिखाई दिया है। हाई सीढ़ी का रास्ता है छत पर जाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। मैं पहली बार आया हूं किसी राष्ट्रपति के घर, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यहां पे भी रूम है एक, जो कि सोने के लिए बैठने के लिए देख सकते हैं आप लोग, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही घर का ये चारों तरफ का सीन है। आंगन के आस पास का बहन रहती थी, रूम के नीचे पैसा रखते थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बहन का रूम है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ सामान हैं यहाँ पे, जो कि पुराने देख सकते हैं आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन रहती थी, यहाँ पे पूजा वूजा होता था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वाइफ पूजा करती थी। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ उनका सामान वामान है पुराने समय का, जमाने का, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है आंगना। चलिए दोस्तों, और भी रूम दिखाते हैं और बताइए। गेस्ट वाला, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम। वो तो बोल रहे थे कि यहाँ पे गाय भैंस रहते थे, गेस्ट रूम था पहले, गेस्ट जो आते थे इसी में रहते। अच्छा, गेस्ट रूम था। जैसे और गाय भैंस कहाँ रहते थे सर? गाय भैंस कहाँ रहते थे? वो तो बोल रहे थे भैया गाय भैंस रहते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे सामान रखी गई हैं जो कि पुराने, और साल भर पर एक बार ज़रूर पेंट किया जाता है, और ताकि देखने में और सुरक्षित रहे और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा तस्वीरें। और इन भाइयों लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको घुमा रहे हैं। देख सकते हैं ये उसी समय का है क्या? अच्छा अच्छा, हर साल बदलता रहता है, वो भी है हर साल बदलता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया आप बोल रहे थे गाय भैंस वहाँ पे रहती हैं लोग, ये बोल रहे कि गेस्ट रूम है। हाँ, कुछ समय के लिए गेस्ट होगा, कुछ समय के लिए गाय भैंस होंगी, और क्या। हमें तिजोरी उजोरी सब बातों का रहती है, तिजोरी है सब। हम आगे इस रूम में पैसा रखते थे लोग अंदर। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान, और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बता दूं, सिवान जिला के अंतर्गत आता है जीरा देवी गांव। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।